गाइस, विस्कॉच के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की ब्लॉगिंग होने वाली है शूट से रिलेटेड। सो बेसिकली आई एम अ प्रोड्यूसर और शोज वगैरह करता हूँ, टीवी सीरीज़ ये सारी चीज़ें भी करता हूँ। तो आज उसी से रिलेटेड मैं सोचा कि यार एक ब्लॉग बनाया जाए। जो वर्चुअल शूट आज हम करने वाले हैं विद क्रोमा, उसमें एंकर मेरी सिस्टर है मेरी रियल सिस्टर अंकिता थपलियाल, जिसको आपने काफ़ी टीवी एड्स में या फिर टॉक शोज वगैरह में देखा होगा। सो उसके साथ मेरा आज शूट है। अभी मैं अपने ऑफिस में था, कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए गया था, प्रिंट कराने का काम खत्म हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, वहाँ से अंकिता को पिकअप करूँगा एंड देन फिर आगे की सारी चीज़ें हम देखते हैं कैसे होने वाली है। आई होप कि बढ़िया हो सब कुछ। तो पता क्या होता है, मैं यहाँ पे गाड़ी में उसको लेने आया, वो कह रहे कि ऊपर आके सामान भी लेके चल मेरा। तो अब सामान उठाने जा रहा हूँ उसका मैं ऊपर, चलो लेके चलते हैं। ये सामान उठा के ले जाना पड़ रहा है एंकर जी का। सो ऑल सेट फॉर टुडे शूट। एक मज़ेदार स्टोरी अभी ये हुई थी कि घर के एंकर होने का फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये था कि मैं इसको जिस रेट के लिए अप्रोच किया उसमें तैयार नहीं हो रही थी, बाहर वालों के लिए शूट कर देती है कम पैसों पे। जैसे ही मेरी बारी आती है कि भाई थोड़ी सी तरक्की कर ले, कुछ पैसे कमा ले, तब ये मेरे से ज़्यादा पैसे मांगती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब बाहर वाली कोई एंकर हो तो उससे तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो दो रेट बताएगी कि भाई यहाँ नेगोशिएट करने के बाद इतना लेंगे हम करके। तो मैंने क्या किया, सीधा मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी ये पैसे जो है कम नहीं कर दिए। मम्मी ने उसको बोला कि तेरे को होली के लिए ऋषिकेश नहीं जाने दूंगी अगर तूने मेरे लड़के का शूट नहीं करवाया। तो अभी मेरे साथ बैठी है कम पैसों में शूट करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? घर की मूंग की दाल में रात बस वही हाल है मेरा। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं 63 सेक्टर में, सेक्टर 63 नोएडा, जहाँ पे हमारा मेकअप आर्टिस्ट हमारा इंतजार कर रहा है, वो भी हमारे साथ इसका पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है वो नीरज। ये आ गए हमारे मेकअप आर्टिस्ट नीरज जी। नीरज, ये दाढ़ी ऐसे फैशन में रखी है कि बुढ़ा हो रहा है सही में? नहीं नहीं, फैशन है। नीरज हमारे साथ बहुत टाइम के बाद यहाँ पे। नीरज कैसा लग रहा है वापस शूट करके मेरे साथ? पूछो मत, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था तो आप आगे सस्ते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे काम मिलता रहना चाहिए, खूब मिलते रहना चाहिए। सही, ये बेस्ट पार्ट है नीरज के साथ। सो गाइस, नीरज का जो नंबर है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ऐसा अंकिता की तरह खूबसूरत दिखना है तो ये है नीरज, कॉन्टेक्ट करो इसको। नीरज आजकल ब्लॉगिंग वगैरह चल रही है मेरी यूट्यूब में। मैं कह रहा था कि तुम्हें मेरी भी कर दे, मेरा चैनल यार सब्सक्राइब तो कर दे भाई। मैं पहुंच चुके हैं यहाँ पे और दरवाजा खोलने के लिए कोई आ चुका है, देन उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. यहाँ चल रहा है लंच, एंकर और हमारे मेकअप आर्टिस्ट नीरज भाई। खाना कैसा अंकिता? नीरज भाई बढ़िया लग रहा है, महंगा मंगवाया आप लोगों के लिए 180 रुपए का। गाइस, हम लोग अपने शूट के अपने स्टूडियो में यहाँ पे आ चुके हैं, जे जी स्टूडियो में, और शूट हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सारी चीज़ें सेट है, हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं, टीम वगैरह सब कुछ तैयार है, क्लाइंट भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडियो। अच्छे से करियो अंकिता,
और ये एक्सेल रिसर्च के मालिक यहाँ पे आते हुए। सर कैसे सर आप, मिस्टर अरोड़ा सर, सर 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 हमारा करियर बनाने वाले सर आ चुके हैं, ये रहे एकदम माइक पे शूट करने आए हैं। सर तो कैसा लगा आपको शूटिंग? अच्छा, अंदर से थोड़ा और आप इंप्रेस हो जाएंगे सर, अरोड़ा भी देखते हैं। हाँ जी हाँ जी, थोड़ी टायर्ड लग रही है मुझे, चलिए एक बार अंदर चलते हैं हम लोग। 3, 2, 1 and cue. Ladies and gentlemen, award for India's best upcoming talent of the year, fashion and modeling sector, and it goes to Hrishikesh Warekar. Congratulations to Mr. Hrishikesh Warekar. Like city nights and satellites, when I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love. हो गया कंप्लीट सारा पैक अप, वेल डन गाइस।